जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ, तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।